हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबई वर्ल्ड। तो यूई टू इंडिया ट्रैवल अपडेट। अब आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं, एयरलाइन ने दी सहूलियत। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्रैवल अपडेट करते हुए यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है, लेकिन अपने नए गाइडलाइंस में एयरलाइन ने बताया कि ये नियम सिर्फ उन यात्रियों पर लागू होगा जिन्होंने भारत में ही वैक्सीन का दोनों डोज लिया है। कहा गया है कि जिन यात्रियों ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन का दोनों डोज लिया है, उन्हें यूएई से भारत के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यात्रियों को कोविड-19 वैक्सीन का सर्टिफिकेट को एयरपोर्टल सुविधा में रजिस्टर कराना होगा, लेकिन जिन लोगों ने यूएई में ही टीकाकरण कराया है, उन्हें यूएई से भारत जाने के लिए 72 घंटे का आरटीपीसीआर कराना होगा। ये नियमों के पालन की अपील की गई है। बहुत सारे भाई लोग हैं जो ऐसी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि अब आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छूट सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है अगर आपने भारत में ही वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए हैं, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यूएई में वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं, तो आपको 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 14 फरवरी को भारत ने 80 से भी ज़्यादा देशों को आरटीपीसीआर टेस्ट की छूट दी थी। इसमें बहुत सारे गल्फ देश भी शामिल थे, लेकिन इसमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल नहीं था। एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए एक नया बयान दिया है। यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से नई सुविधा मिलने वाली। अगर आप उन यात्रियों में शामिल हैं जो कोलकाता से दुबई के लिए अमीरात फ्लाई दुबई, एयर इंडिया या इंडिगो कि किसी भी डायरेक्ट फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप कोलकाता से दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट करते हैं, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। लेकिन भारत के बाकी सभी शहरों के यात्रियों को यात्रा के लिए 48 घंटे का अंदर वैलिड नेगेटिव पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा। इसके अलावा प्रस्थान के 6 घंटे के अंदर किया गया रैपिड पीसीआर टेस्ट की भी प्रस्तुत करना होगा। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये न्यूज़ सिर्फ कोलकाता एयरपोर्ट वालों के लिए है। अगर आप इंडिया से कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर आप यूएई में आते हैं, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी अन्य जगह से आते हैं, दिल्ली मुंबई किसी अन्य एयरपोर्ट से आते हैं, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना लाजिम होगा। ये छूट सिर्फ कोलकाता एयरपोर्ट वालों के लिए दी गई है, बाकी किसी अदर अन्य एयरपोर्ट के लिए नहीं दी गई है। बहुत सारे भाई लोग हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि अब आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप मेरी वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे। फेक न्यूज़ से बचिए। तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ।